हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता कुमारी, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद से बोल रही हूँ। आज जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको जब ये सिम्टम्स आते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के एक्चुअली ऑन गोइंग नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, तो वो घबरा जाती हैं अचानक से कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब अंदर मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, सब कुछ अंदर ठीक है कि नहीं। वो है बहुत कॉमन टॉपिक, आप लोगों में से लगभग सब लोग जानते हैं, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, स्पेशली मॉर्निंग में मितली आना, उठते ही मितली आना। ठीक है, कई बार रात में जो थोड़ा बहुत खाया पिया है वो अगर कुछ है, या पानी उठते ही, कई लोगों को पानी पीने की आदत होती है, जैसे ही पानी पिया वॉमिटिंग हो गई, या वॉशरूम में गए जैसे ही मुंह में ब्रश और टूथपेस्ट एंड ब्रश लगाया तो वॉमिटिंग शुरू हो गई। ठीक है, ये जो है ये नौजिया एंड वॉमिटिंग, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं प्रेगनेंसी में, ये क्यों होता है और इसका किस, आप कब तक अपने होम रेमेडी से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकती हैं या इससे बचाव कर सकती हैं, या किस लेवल पे बिल्कुल है कि नहीं डॉक्टर को दिखाना। वैसे तो प्रेगनेंसी अपने आप में है कि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप आपको कराना है, जो नॉर्म्स है, ठीक है, उसके अनुसार कराना ही है। आप जाते ही हैं, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिलते हो, लेकिन कई बार ये होता है कि ये बहुत घर में घबराहट वाली सिचुएशन बना देते हैं, स्पेशली जो मदर हैं, यंग मदर्स हैं, प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं जहाँ बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो वो यंग लेडी बहुत जल्दी घबरा जाती है। ये नौजिया वॉमिटिंग, सबसे पहले माय डियर लेडीज मैं बता दूँ कि ये नौजिया वॉमिटिंग है जो एक सर्टेन लेवल तक ये होना ज़रूरी है, ये जो बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, क्योंकि इस ये एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है, जो शुरू में जहाँ से एग रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है प्रेगनेंसी में, उससे एक हार्मोन निकलता है HCG हार्मोन, बाद में अवल नाल जब प्लेसेंटा बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, जिससे एक्चुअल में बच्चे का माँ से खून का रिश्ता जो बन जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, जब ब्लड कनेक्शन हो जाता है तो उससे हार्मोन निकलता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। इसकी वजह से मेनली वॉमिटिंग होती है, और इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी कनेक्शन है। वो कैसे है, सुबह उठते ही क्या होता है, जैसे 8-10 घंटे का आप नींद आपने लिया, उस दौरान बेबी आपका जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भ्रूण का डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो चाहिए, वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज बेबी, आप सोए हो या कोई सा एक्टिविटी कर रहे हो, आपका बेबी कॉन्स्टेंट 24/7 आपका ग्लूकोज आपके रिसोर्सेज से वो यूज कर रहा है। अगर बीच में आपने ग्लूकोज का इंटरप्शन कर दिया, न्यूट्रिशन नहीं गया, नहीं मिला, तो क्या होता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सेंस करता है हाइपोग्लाइसीमिया, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग एक बताता है कि आपको कॉन्स्टेंटली आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कुछ कुछ आपको खाते रहना है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन अगर प्लेसेंटल टिश्यू से निकल रहा है, अवल नाल से निकल रहा है, यानी अवल नाल जिंदा है, अवल नाल एक्टिव है, तब वो निकल रहा है, सर्कुलेशन में है और आपको नौजिया वॉमिटिंग कर रहा है। इसका मतलब आप समझें कि हमारा अवल नाल बिल्कुल स्वस्थ है और उस अवल नाल के जरिए बच्चे को ब्लड सप्लाई मिल रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्लड के रेड ब्लड सेल्स से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और वही अवल नाल से ये हार्मोन निकल रहा है, स्वस्थ अवल नाल से ये हार्मोन निकल रहा है। इसका मतलब ये नौजिया, माइल्ड नौजिया वॉमिटिंग जो होता है, ये इंडिकेशन है एक स्वस्थ प्रेगनेंसी का, आपके अंदर ग्रोथ होने का, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही वॉमिटिंग प्रसिस्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपके आप वॉमिट करते हैं, खाते हैं, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप खाते जाओ और कुछ माइल्ड सा विटामिन B6 या कुछ और हम लोग लिख देते हैं, डॉक्सिलामीन वगैरह, जो कि प्रेगनेंसी में
और ट्राइमेस्टर में टोटल सेफ है, उससे नौजिया वॉमिटिंग में आराम भी होता है। तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप ये जो आप कुछ कुछ खाते रहो, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आप खा रहे हैं और वॉमिट कर रहे हैं, यानी आपका इनटेक आउटपुट ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, देन इट्स ओके, वो माइल्ड हम लोग मेडिसिन दे देंगे, उससे कई बार उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आप वॉमिटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, आपका इनटेक जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस का, खाने पीने का इनटेक कम हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक सीरियस बात हो सकती है। आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। और क्या होता है कि ये बताता है, इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की भारी कमी हो रही है, और अब बेबी जो है एनर्जी के लिए आपके फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है। फैट ब्रेक डाउन हो रहा है तो कीटोन बॉडीज बनता है, कीटोन बॉडी बनता है। ये कीटोन बॉडी अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाए तो ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जाता है, और बेबी को ये कीटोन बॉडी एक्चुअली बेबी के हार्ट के मसल्स को, मायोसाइट्स जिसको कहते हैं, उसको डैमेज करता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है जिससे आपको सीवियर वीकनेस हो रहा है, लिंपिंग हो रहा है, आप उठने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल खा नहीं पा रहे हैं, आपको इमिडिएटली डॉक्टर से, ऑस्टेटिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि आपके बॉडी में, यूरिन में कीटोन बॉडीज तो नहीं आ रहा है। डॉक्टर टेस्ट करा के देखते हैं, कीटोन बॉडी का टेस्ट करते हैं, तो वो कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में आ रहा है तो आपको एडमिशन, हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत है, ताकि उस कीटो उनका केयर कर सके, ग्लूकोज ड्रिप वगैरह देकर बेबी का सोर्स ऑफ एनर्जी हम डाइवर्ट कर सके, फैट का कम ब्रेक डाउन हो बॉडी में, कीटोन बॉडी कम बने, और जो कि बेबी के हार्ट मसल के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सिंपल नौजिया वॉमिटिंग जो है प्रेगनेंसी का, आज हमने जाना कि ये क्यों होता है। ये एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के ग्रोथ की निशानी हो सकती है, लेकिन अगर यही एक्सेसिव होता है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, आप कुछ भी ले रहे हैं, बस निकल आप वॉमिट आउट कर दे रहे हैं, बहुत सीवियर वीकनेस हो रही है, इसका मतलब आपका फैट ब्रेक डाउन हो रहा है। और इसी चीज़ में एक और बात जुड़ी हुई होती है कि फास्टिंग, हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि फास्टिंग नहीं करना, क्योंकि फास्टिंग के दौरान क्या होता है, आपका ग्लूकोज डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बॉडी में, जो कि बेबी को मिल रहा है, तो बेबी अगेन वो फैट पे, आपके फैट को ब्रेक करने के लिए आपको, आपके सिस्टम को वो प्रॉम्प्ट करता है, तो फिर फैट ब्रेक डाउन से अगेन कीटोन बॉडीज निकलता है, जो कि बेबी के हार्ट मसल के लिए डेट्रीमेंटल होता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में कृपया आप फास्टिंग ना रखें। तो आज हमने जाना कि नौजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी कितनी लिमिट तक नॉर्मल उसको समझेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी समझेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि जो नॉर्मली प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से अब कब हम लोग उसको सीरियस समझ के डॉक्टर से इमिडिएटली सलाह की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस जानकारी के साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके क्वेरीज नौजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में बहुत हद तक आपको सहूलियत मिलेगी इस जानकारी के साथ, और आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना होती है। और आज इसी के साथ धन्यवाद।